अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के मैक्रो इकोनॉमिक्स की वैल्यूएशन कहाँ से स्टार्ट हुई और ये कैसे कैसे आहिस्ता इकॉनमी में प्रवेल की। स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि जैसे कि हम लोगों ने बाटर सिस्टम मनी को डिस्कस किया था, तो मनी पैसा बनने से पहले हमारे पास बाटर सिस्टम चलता था। हर चीज़ के बैकग्राउंड पे कोई ना कोई चीज़ होती है जहाँ से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स दुनिया बनते साथ ही तो ये नहीं पता लग गया था कि जी इकोनॉमिक्स है, हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ना है या इकोनॉमिक्स हमें बताएगी कि हमारा मुल्क कैसे चलना है। तो इसके बैकग्राउंड पर एक पूरी हिस्ट्री थी, ठीक है। उस हिस्ट्री को हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रोमन हिस्ट्री से, ठीक है। हमारे पास रोमन्स आए थे, ठीक है। अब रोमन हिस्ट्री में हम 3 से 4 पॉइंट्स देखेंगे। अब जब भी ह्यूमन वेलबींग आते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की रॉबिन्स की, तो रॉबिन्स हमारे पास कहता था कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है। अब रॉबिन्स की डेफिनेशन से हम लोगों ने देखना शुरू किया कि क्या क्या हमारे पास सिचुएशन चल रही है। जैसे कि आपको पता है इकॉनमी स्टार्ट होने से पहले गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। जब इकोनॉमिक्स के हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, उस दौर में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। इंसान जो था पॉवर्टी लाइन से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। पॉवर्टी लाइन होता है कि एक इंसान के पास $1.25 भी अर्निंग नहीं थी, और ये आर डे की बात करें कि एक आदमी जो था, मतलब अगर आज की वैल्यू बात करें तो मतलब 150 रुपया भी खुद नहीं कमा सकता था उस वक्त में, ठीक है। तो गुर्बत इस कदर ज़्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आना शुरू हुई। लोगों ने इसको देखा कि हमें कैसे अब इकॉनमी स्टार्ट करनी चाहिए। तो जो रूट थी, जो प्रॉब्लम थी, उनकी बेस पे इकॉनमी स्टार्ट हुई। अब जो रूट्स हमारे पास थी वो कौन कौन सी थी, हम उनको देख लेते हैं। रूट्स कॉजेज दैट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड, ये वो प्रॉब्लम थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी, जिनकी बिहाफ पे हमें पता लगा कि हम इकोनॉमिक्स बना के इन सब चीज़ों को ठीक करना है। फर्स्ट थे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे अदारे। सेकेंड वन हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थर्ड वन इज सोशल ऑर्डर्स। फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट नजीज, ठीक है। अच्छा जी, अब इंस्टीट्यूशन में आपको बता दिया डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल ऑर्डर्स होते हैं कि हमारी इकॉनमी में हमें कौन कौन से ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ा, और नजीज हमारे पास कहते हैं चेंजिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, चेंजिंग बिहेवियर विदाउट इंसेंटिव्स। क्या आप किसी का जो बिहेवियर है, किसी की जो ख्वाहिश या मतलब किसी की नेचर, मतलब उसका बिहेवियर आप चेंज कर दो। अगर वो एक चीज़ चाह रहा है, आप उसको फोर्स कर लो अपनी दूसरी चीज़ पे विदाउट गिविंग इंसेंटिव्स, उसको बगैर किसी कोई भी इंसेंटिव दिए, ठीक है। तो हम रोमन एम्पायर से हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे। अगर रोमन एम्पायर की हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास होता क्या था, ग्रीक का आपने सुना होगा, ग्रीक हिस्ट्री थी। तुर्की में ग्रीक रहते थे, ठीक है। यहाँ से कौन वहाँ पर स्टार्ट होना शुरू होगी। अब फर्स्ट सिविलाइज्ड हमारे पास ये थे, इन्होंने सबसे पहले सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि इन्होंने देखा कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमारी इकॉनमी में क्या क्या सिस्टम प्रिवेल करना चाहिए। पीपल कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ट्राइब्स इन इराक, और इराक ट्राइब्स कहते हैं कबीलों को, छोटे छोटे पहले छोटी छोटी इकॉनमीज बनना शुरू हुई, ये इकॉनमीज थी, ठीक है। छोटे बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स बनना शुरू हुए, एक कबीला, दूसरा कबीला, तीसरा कबीला, और फिर इन ट्राइब्स के बीच में आपस में झगड़े होना शुरू हो गए। जब झगड़े होना शुरू हो गए, उनको सॉल्व करने के लिए डिसाइड किया गया कि एक सॉल्ट पावर बनाई जाए, ठीक है, जो कि इन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करें। तो वो डिस्प्यूट्स जो थे वो एक लंबे अरसे तक चलते थे, ठीक है, और या तो वो डिस्प्यूट ख़त्म हो जाते थे अगर वो जो सॉलिड पावर थी, उसके 3 सोल्यूशन निकल रहे थे। अगर दो, यहाँ पे हम देख लेते हैं, दो ट्राइब्स हैं हमारे पास, ठीक है, ट्राइब ए या बी, दोनों के दरमियान में झगड़ा है, तो हल हमारे पास क्या होगा, बोथ, दोनों को फिनिश कर दिया जाए। पहले ये कुछ होता था, दोनों ट्राइब्स को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, या जो था एक जो था जीत जाए, सोल्यूशन हमारे पास सिर्फ 3 ही आएंगी, ठीक है, और या था एक लाइफ ट्राइबो, एक को जिंदा रखा जाए, एक को मार दिया जाए, या फिर एक को जिता दिया जाए, ठीक है, या फिर दोनों को फिनिश कर दिया जाए। ये उस वक्त के जो लीडर्स थे वो इस तरह के सोल्यूशन निकालते थे लड़ाई झगड़ों के, ठीक है। ये हमारे पास फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने देखा, जब बहुत पार्टी कन्विंस हो जाती थी फाइटिंग पे, ठीक है, तो ये दोनों के लिए नुकसानदेह है,
ठीक है, अब सिचुएशन दोनों को नज़र आ रही है, या तो ये अंजाम होगा या ये, या ये अंजाम होगा, लेकिन अगर दोनों जो है फाइटिंग के लिए एग्री हो जाती हैं फिर भी, तो नुकसान जो है हमें बहुत ज़्यादा होगा। किंग्स थे हमारे पास, दूसरी तरफ स्ट्रेट रिफॉर्म थे, ये सारे जो थे पहले आते थे, सारे मामला इनके पास लेके जाते थे, सारे मामला किंग्स ही सॉल्व करते थे। और सोशल सिस्टम जो था रोमन्स का, वो ये था कि जो ट्राइब्स में गरीब लोग होते थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, उनको स्लेव बना लिया जाता था, ठीक है, स्लेव से मुराद है उनको अपना गुलाम बना लिया जाता था, ठीक है, उनसे सारे घर के काम करवाए जाते थे। और वहाँ पे अपने अक्सर आखिरी लास्ट जो मूवीज़ होती थी पहले इंडियन मूवीज़ में स्पेशली, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टेडियम्स में जी, वो अगर कोई स्लेव या कोई दुश्मन आपका कहना नहीं मान रहा तो क्या करते थे, मोस्टली स्लेव्स के साथ ही होता था, अगर कोई गुलाम आपकी गुलामी करने से इनकार करता था तो जो लेबर वो थे किंग्स, वो क्या करते थे, उसको किसी भूखे शेर के आगे डाल देते थे। तो ये वहाँ पे ये सज़ाएं दी जाती थी कि भूखे शेर के आगे डाल दिया जाता था, ठीक है, और वो इतना खौफ फिर पैदा हो जाता था कि आने वाला कोई भी जो स्लेव था वो इस तरह का सोचता भी नहीं था कि मैं इस तरह की हरकत करूँ, मैं इनका कहना ना मानूँ। तो फिर इस तरह इन मसलों को हल करते करते न्यू सिस्टम जो थे अराइज़ हुए, किंग के बाद हमारे पास फेडरलिज्म सिस्टम आ गया, ठीक है। अब जो फेडरलिज्म सिस्टम आ गया, ये कौन थे, ये वो ग्रुप्स थे जिनके पास, ग्रुप्स हु हैव अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ये वो ग्रुप थे जिनके पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, ठीक है, जब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे तो इनके पास भी पावर्स आ गई, उस पावर के बिहाफ पे इन्होंने अपनी मिलिट्री कायम की, ठीक है, मिलिट्री दो तरह की थी, या तो ये अपनी जो ज़मीन थी उसके मालिक थे उसकी वजह से ये मिलिट्री गेन कर रहे थे, ठीक है, नो रिसोर्स प्रेजेंट एट दे ओन दे हैव टू द लॉर्ड्स, अपनी इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जस्ट इन्होंने, या तो एक कंडीशन ये थी कि इनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी इनके पास रिसोर्स जो था वो ये था कि ये दूसरों की चीज़ों पे ऑक्यूपाई कर रहे थे, कब्ज़ा करके खुद फेडरलिज्म सिस्टम के हेड बने हुए थे। अब ये करते क्या थे उस दौर में, लॉर्ड्स थे हमारे पास, ठीक है, दूसरी सर्व थे हमारे पास सर्व्स, अब सर्व्स कौन थे जिनके पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लॉर्ड्स के पास लैंड थी, अपनी ज़मीन थी, अब लॉर्ड्स करते क्या थे, या तो वो आगे उनके पास सेकुलर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं, या कैथोलिक सोसाइटी आती थी, ठीक है, अब ये वो थे जो सेकुलर थे, ये फेवर पार्टी हु इज स्ट्रॉन्ग, इनकी भी आखिर दो टाइप थी, ये जो लैंड ऑनर्स थे ये तो या सेकुलर होते थे, सेकुलर मतलब कि जौन सी पार्टी स्ट्रांग होती थी उसके साथ हो जाते थे, या ये कैथलिक थे, कैथलिक कहते हैं चर्च ऑफ रोम को, ठीक है, मतलब जो रिलीजन्स के वो पादारी वगैरह, आपने इस तरह का वर्ड सुना होगा पादरी, ठीक है, अब ठीक है, तीसरा इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती थी, इकोनॉमी तो थी नहीं, इन्हें पता भी नहीं था कि इंडस्ट्रीज लगानी है, इकोनॉमी रन करनी है, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर क्या था, इन्होंने छोटे छोटे टाउन्स बना रखे थे लोगों को इकट्ठे करके, ठीक है, लोगों को इकट्ठे करके छोटे छोटे टाउन्स बनाए थे, उन टाउन्स में ये लोगों से प्रोडक्शन करवाते थे, अपनी मर्ज़ी की चीज़ बनवाते थे, ठीक है, जब प्रोडक्शन करवाते थे वो प्रोडक्शन जो थी वो लॉर्ड्स को दी जाती थी, ठीक है, अब लॉर्ड्स जो थे उसमें से थोड़ा बहुत इनको खाने के लिए दे देते थे, ठीक है, और बाकी जो था वो सारा अपने पास रख लेते थे, ऑन बाय देम, ठीक है। पॉइंट ये आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इकॉनमी, हमारे पास जो हमारी इकॉनमी थी वो एस्टेब्लिश कब हुई, ठीक है, कैसे फिर कंसेप्ट आया, जो सर्व्स थे ना अभी हम लोगों ने लास्ट पढ़ा, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, ये देखें लास्ट हम लोगों ने इस पे देखा, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, मूव फ्रॉम देयर लॉर्ड्स एंड ज्वाइन द स्टेट और क्लास, उन्हें गुस्सा आया, उन्हें कहा ये क्या मतलब है, एक तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं, ऊपर से जो है हम लॉर्ड को जो है ओबे करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जगह को छोड़ा और वहाँ से शिफ्ट होके अपनी छोटी छोटी क्लासेस और स्टेट्स बना ली, जब उन्होंने स्टेट्स बना ली, ठीक है, तो उस स्टेट्स को उन्होंने
वहाँ पे उन स्टेट्स में उन्होंने ऐसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी शुरू की, उन स्टेट्स को ख़त्म भी किया जा सकता था, लोड ख़त्म कर सकता था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दी, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म, शूज़, ये सारी चीज़ें उन्होंने किसके लिए बनाई? आर्मी के लिए। ठीक है, जब आर्मी उनके साथ मिल गई तो वो एक स्टेट हो गए, उनके पास एक पावर आ गई कि उनको कोई भी तंग नहीं कर सकेगा। जब भी उन्होंने अपनी स्टेट्स बनाई तो स्टेट्स को नाम दिया गया। ठीक है, अब ये जो स्टेट्स इन्होंने बनाई, इनके पास एक अपनी वो जो थी एक पावर आ गई, आर्मी इनके साथ हो गई, इन्होंने हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करना शुरू हो गया। ठीक है, जब इकॉनमी इन्होंने स्टार्ट की, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्टार्ट हुई है इकॉनमी स्टार्ट कैसे होती है। इन्होंने अपने तरीके से सारी वहाँ पर रिहाइश की, अपने तरीके से बनाते थे। जब इन्होंने अपने तरीके से एक इंडिपेंडेंस मिल गई इनको, इनको पता लग गया कि इंडिपेंडेंस है, हम लोग अपनी मर्जी से जी सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टू फील्ड सिस्टम और थ्री फील्ड सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें ये कल्टीवेशन करते थे। टू फील्ड सिस्टम से मुराद है टू फील्ड सिस्टम, थ्री फील्ड सिस्टम, और दो दफ़ा टू टाइम्स कल्टीवेशन इन ईयर। कल्टीवेशन आ ईयर, ठीक है, और थ्री फील्ड सिस्टम में थ्री टाइम कल्टीवेशन आयर। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी कल्टीवेशन का प्रोसेस हो गया। मोर रिसोर्सेज जो थे अर्बनाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे थे, जब इनको जब ये ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहे थे तो अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गई। ठीक है, इनको जब इनके पास पैसे आए, इनको अवेयरनेस होगी कि हमें अब अर्बनाइजेशन करनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास चीज़ें वैल्यूएट होना शुरू होगी। वहाँ पे एक सिस्टम स्टार्ट हुआ हमारे पास, पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, अगर एक पर्सन जो है वो चाहता था कि प्रोडक्शन करे लेकिन उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो क्या किया जाता था, उसको वो अपने घर पे ही चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर देता था, या वो किसी दूसरी पार्टी से हेल्प लेके उसको स्टार्ट करना शुरू कर देता था। तो इस चीज़ को फिर उन्होंने फैक्ट्री का नाम दे दिया। ठीक है, जब फैक्ट्री का उसको नाम दे दिया तो आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी स्टार्ट होगी। जब फैक्ट्री स्टार्ट होगी तो फिर हमें पता लगा कि हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी करनी है, कि जो जो सा लेबर इस कंट्री में फैक्ट्री में काम कर सकते हैं उसको हायर करें। इसके डिपार्टमेंट फैक्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। स्पेशलाइजेशन की तरफ लोगों का जो था रुझान बढ़ाया गया। यहाँ से हमारी इकॉनमी जो चीज़ डेवलप होगी, वहाँ से एक्सपर्टीज़ आई, नॉलेज स्किल इंक्रीमेंट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोग जो थे तरक्की की तरफ चलते गए। तो इस तरह फिर हमारे पास छोटे छोटे कॉलोनीज भी बना दी गई। पावरफुल नेशन अटैक एंड कंट्रोल ओवर ऑल द एशिया। जो ईस्ट इंडियन कंपनी में जब हुई थी, आपने वार सुनी होगी, 1857 में जब वार हुई थी, तो सारे जो रिसोर्सेज थे वो हमारे पास इकोनॉमी ही प्रोवाइड कर रही थी। ये सारा हमारे पास सिस्टम हम लोगों ने देखा है, हमारे पास इकोनॉमी कैसे प्रवेल की, इकोनॉमी हमारे पास कैसे स्टार्ट हुई। उसके बाद हम देख लेते हैं केन्जियन का और क्लासिकल का क्या व्यू था इसके बारे में। जब हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हो गई तो हमारे पास कैपिटलिज्म बन गया। कैपिटलिज्म कौन थे, जिनके पास जब पैसा लोगों के पास आता तो वो उस पर हुकूमत करके उस पर हुकूमत कर लेते हैं। ठीक है, अब कैपिटलिज्म में हमारे पास एक स्लोगन बना, स्लोगन कहते हैं नारे को, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर डिसाइड किया गया कि सारे लोग बराबर होंगे, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा कि जो इकोनॉमिस्ट थी वो सबके फ़ायदे के लिए काम करने लग पड़ी। जैसे कि अब हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, कोरोना वायरस आया तो क्या है, जब सबके लिए काम किया जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा कि जो गरीब और अमीर हैं तो अमीरों को कहो कि ठीक है वो बाहर निकल सकते हैं, उनके लिए कोई लैंड लॉक नहीं है गरीबों के लिए, जस्ट या गरीबों के लिए नहीं है जैसे अमीरों के लिए है, तो वो दोनों क्लासेस को इक्वलिटी दी जा रही है। ठीक है, दोनों को हर राइट दिया जा रहा है कि वो अपनी जो है सेफ्टी कर सकें, और जो हुकूमत उन पे पॉलिसीज लगा रही है उसको ओबे करें। अब कैपिटलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, मार्केट ओरिएंटेड कमोडिटी प्रोडक्शन। ठीक है,
अब फर्स्ट फीचर है इसका मार्केट रेंटेड कमोडिटी प्रोडक्शन। जब हमने बॉडीज का दौर देखा था, वहाँ पे जब दो क्लासेस बनी थी, दो क्लासेस में क्या थे, 60s और 70s के ईरा में जो प्रोडक्शन थी वो बहुत माइनर स्केल पे हो रही थी, प्रोड्यूस दैट वर द इकॉनमी डिमांड और वाइस वर्सा, जो हमारे पास डिमांड होती है इकॉनमी सिर्फ उसी को फुलफिल कर रही होती है। हमारे पास एक्सपोर्ट्स का सिस्टम नहीं था। जब एक्सपोर्ट्स का सिस्टम नहीं था, जो कंज्यूमर था सिर्फ हम उसकी डिमांड को पूरा कर रहे थे, कंज्यूमर ने जो कुछ मांगा हमसे हमने कंज्यूमर को दे दिया, सिर्फ उसकी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था। एक्सपोर्ट का सिस्टम नहीं था, जो पैसा था वो भी सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसीजर के लिए बनाया जा रहा था, उसको और किसी चीज़ में यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था। पैसा सिर्फ इसलिए बन रहा था ताकि हम इस पैसे से और पैसा जनरेट कर सकें। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास प्राइवेट ऑनरशिप। अब प्राइवेट ओनरशिप में हम देखेंगे कि एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ अ गुड और सर्विसेज, जब हमारे पास अपनी मर्जी से हम लोग किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो हमारे पास वो प्राइवेट कंसीडर की जाती है। लेट्स सपोज मेरा सेलफोन है तो मेरे पास मेरी इस पर प्राइवेट ओनरशिप है, मैं चाहूँ उसको जैसे मर्जी यूज़ करूँ, ठीक है, इसका मिस यूज़ करूँ, राइट यूज़ करूँ, इट्स अप टू मी। अब क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी थॉट थी कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करे या ना करे, जबकि फेडरलिज्म जो थे वो जागरदाना निज़ाम जो था उनका था कि नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो रूल मेड किया था कैपिटलिज्म ने कि जो स्टेट है वो उसका कोई रोल ना हो, ठीक है, जो जो सिस्टम चल रहा है वही चलना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन ही होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से हम अपनी चीज़ों को चलाएं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, फेयर है फ्री है, मुझे आई थिंक एग्जैक्ट याद नहीं, एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है। एडम स्मिथ कहता था कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो हमारे पास जो दो फोर्सेज हैं डिमांड एंड सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली मार्केट को एडजस्ट कर देंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने के लिए क्यों कहा जा रहा था, ताकि वो एडजस्टमेंट क्रिएट करे, कोई भी चीज़ या सप्लाई या डिमांड जो है एक दूसरे से ज़्यादा ना हो, ना तो सरप्लस हो ना शॉर्टेज हो, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो उस केस में अगर गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करेगी तो क्या होगा, तो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास, एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने कहा था कि अननेचुरल और सुपर नेचुरल फोर्सेज होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती हैं इकॉनमी को और वो बैलेंस कर देती हैं डिमांड और सप्लाई को। थर्ड हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज वर्किंग क्लास। एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज वर्किंग क्लास से मुराद है कि जो हमारे पास वर्किंग क्लास लेबर थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे जो कैपिटल का हमारे पास फंक्शन बनेगा वो होगा, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन बना था, जो हम अपने थीसिस में अपने मॉडल्स में यूज़ करते हैं ना। तो आप हमेशा याद रखना, इनकम इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल। आपके पास तब लेबर कैपिटल सॉरी लैंड आएगा, ठीक है, आपके पास इनकम कहाँ से प्रोड्यूस होगी, या तो लेबर से या तो लैंड से। तो ये आपके पास फर्स्ट जो था एजेंडा था जिस जो कैपिटलिज्म ने बनाया था कि आपको जो है मनी को प्रोड्यूस करने के लिए, इनकम को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर और लैंड दोनों यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है एक्विस्टिव अनरियलिस्टिक बिहेवियर। अब इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इज़ रैशनल। कंज्यूमर जो है रैशनल है, इंसान जो है हमेशा अपना फ़ायदा सोचता है, जो चीज़ उसको बेहतर लग रही होती है उसको अडॉप्ट कर लेता है, जहाँ पे उसके पैसे कम लग रहे होते हैं वो उस चीज़ की तरफ जाता है। और जबकि प्रोड्यूसर भी हमारे पास रैशनल है, प्रोड्यूसर भी रैशनल से क्या मुराद है, जहाँ पे उसको सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा होगा वो उसके उसी को यूज़ करके गुड बनाना शुरू कर देगा। तो ये दोनों कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो इकॉनमी में बाय एंड सेल करते हैं, ये दोनों रैशनल हैं, ये दोनों जो है उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो कि इनके लिए बेनिफिट में रहती हैं। इफ़ यू हैव सेल्फिश बिहेवियर देन यू आर रैशनल एंड कैन एग्जिस्ट इन कैपिटलिज्म और वाइस वर्सा, ठीक है। तो वही जो मैं भी आपको बात बता रही हूँ एग्जैक्टली, दोबारा इसको वही हम कोट करेंगे कि जो अगर आपका सेल्फिश बिहेवियर आप अपने बारे में सोचते हो तो आप कम चीज़ों पे जो है उनको प्रेफर करोगे और आप जो है इस तरह कैपिटलिज्म को अडोप्ट कर सकते हो। एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया। लेजिस फेयर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड। क्लासिकल इकोनॉमी से हम लोगों ने कहा था
कि आप गुड सप्लाई कर दो, ठीक है, डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली मार्केट में जनरेट हो जाएगी। जबकि अगर इसको हम क्लियरफाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ऐसा कैसे होगा, जब हमारे पास सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे उसने कॉन्सेप्ट दिया था, इसको हम देखते हैं। जब आप सप्लाई कर देते हो, ठीक है, प्रोडक्शन आपने कर दी, अब वो जो प्रोडक्शन ऑफ गुड है वो की किसने, लेबर ने की ना, सारा काम आपने खुद तो नहीं किया, उसके लिए लेबर हायर की। जब लेबर ने उस काम को किया तो लेबर को आपने क्या दिया, वेजेस। जब आपने लेबर को वेजेस दिया तो उस लेबर ने अपनी वेजेस को कहीं ना कहीं तो कंज्यूम करना है, तो जब वो कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली वो मार्केट में किसी ना किसी प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। और अगर हम देखें तो जो हमने सप्लाई की है, क्या पता है एक पेन है तो वो पेन की ही डिमांड कर रहा हो। तो ये सारी आपके पास चेन है जो कि आपको बताती है कि सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड। जब आप किसी चीज़ की सप्लाई कर देते हो तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। एवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं। हम लोग ने सारा देखा कि इकोनॉमिक्स जो है कैसे आई है, लीडर जो था इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कहा जाता है केन्स का। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका जो फादर है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जॉन केन्स को, ठीक है। अब इस क्या जो पॉइंट था, कहता था कि गवर्नमेंट जो है इंटरवेंट कर सकती है सिर्फ फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, और अल्टीमेट गोल जो था जिसका इसके थ्योरी इसके अकॉर्डिंग था कि हमें फुल अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास ख़त्म हो जानी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमें अचीव करना चाहिए। फिजिकल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है आगे, लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ISLM मॉडल, इनको टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टिनबर्गन था, फर्स्ट इकोनोमेट्रिक का मॉडल था, इसने US इकोनॉमी पे एनालिसिस किया था, और उसमें उसने देखा था कि हमारी इकोनॉमी कहाँ लाइक कर रही है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, फिलिप्स कर्व का। इसको समझने पहले हम दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, सेकेंड हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या। इन्फ्लेशन होता है हमारे पास जनरल राइज इन प्राइस लेवल, जनरल राइज इन प्राइस लेवल। जब आपके पास मार्केट में प्राइस लेवल हाई हो जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पैसा ज़्यादा, सॉरी, चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, ठीक है, तो आप कहते हो कि मार्केट में आपके पास इन्फ्लेशन हो गई है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ हमारे पास फिर अनएम्प्लॉयमेंट, जब चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो बेरोज़गारी भी हो जाएगी। अब हम देखते हैं इनका आपस में क्या लिंक है। तो इनके दरमियान में हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है, कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है, तो ये नेगेटिव स्लोप हमारे पास बनता है, जस्ट लाइक डिमांड, ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं अपने पास इन्फ्लेशन को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, और यह तो ये नेगेटिव स्लोप आपको बता रहा है कि आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, आपके पास आपके अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम करते हैं 2, 4, यहाँ पे भी करते हैं 2, 4। जब हमारे पास इन्फ्लेशन 2 थी तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी 4 थी। अब इन्फ्लेशन हमारे पास बढ़ गई है तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बैकवर्ड मूव कर जाएगी। तो ये बता रही है कि हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का मार्केट में। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केन्जियन और इसको डिस्कस करेंगे, और क्लासिकल का डिफरेंस देखेंगे, केन्जियन क्या कहते थे और क्लासिकल क्या कहते थे, ठीक है। आजकल चलिए, आज तक के लेक्चर हमारा इतना ही था, इसको अपने माइंड में रखना है। पोस्ट केन्जियन, केन्जियन के बाद हमारे पास पोस्ट केन्जियन आए थे, इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं ये क्या कहते थे। पोस्ट केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट 2002 में ये आए थे, ठीक है। ये कहते थे केन्जियन डिड नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, दे कैंसल द ISLM मॉडल एंड गिव न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इमेजिनरी डिमांड, जिसको कहते हैं, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट ये था, इन्होंने जो था उसकी जो थ्योरीज थी केन्जियन की, उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया था एक्चुअली, उसको एवेल्यूएट किया था, उसको फर्दर प्रमोट किया था,
और फिर डिफरेंट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने डिफरेंट मार्केट्स की बात की थी कि फिजिकल पॉलिसी और हमारे पास जो है मॉनिटरी पॉलिसी, ये कैसे इफेक्टिव होते हैं और कौन कौन से मार्केट पे इनका इफेक्ट होता है। ये बाकी सारा नेक्स्ट लेक्चर का ही आज के लिए हमारा इतने लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कैसे प्रवेल की है, इसका जो है हेड कौन है, और जो हेड है वो जॉन केन्स है, उसके जो थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।